जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते पुलिस थाना गग्गल में बीती रात को 21 सांप निकले, जिन्हें बड़ी मुशक्कत से सपेरों ने पकड़ लिया। आपको बता दें कि ये सभी सांप किंग कोबरा प्रजाति के थे। थाने में एक साथ इतने अधिक सांप निकलने से स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार बीती रात थाने के कार्यालय में एक जहरीला सांप निकला था। उस सांप को सपेरे ने रात को ही पकड़ लिया। थाने में तैनात स्टाफ को अगली सुबह फिर वहां सांप के होने का अंदेशा हुआ और थाना प्रभारी मेहरदीन ने गग्गल के सपेरे को सूचित किया। इस पर सपेरे नाजर ने अपनी टीम के साथ मिलकर लगभग 3 घंटे की मेहनत के बाद एक के बाद एक करके थाने में 21 किंग कोबरा जाति के सांप पकड़े। हालांकि इनके पकड़े जाने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि थाने में कहीं कोबरा सांपों ने अंडे दे दिए थे, जिनमें बच्चे निकल आए। सांप के बच्चे लगभग 1 से 1.5 फुट के बताए जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि मेहनत कर इन सांप को पकड़ने वालों को पुलिस अधीक्षक कांगड़ा से सम्मानित करवाया जाएगा। वहीं स्पेरा नाज़ब गुलशन का कहना है कि वे पिछले 21-22 सालों से सांप पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कहीं भी सांप निकलने की सूचना मिलती है तो उनके द्वारा जहरीले सांप को पकड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि बीती रात को भी उन्होंने गग्गल पुलिस थाना में एक साथ 16 किंग कोबरा प्रजाति के सांप पकड़े हैं। परसों रात को 10-1 बजे एक सांप कमरे से निकला तो इमीडिएट यहाँ पे हमारे नाजर हैं जो स्पेरों पकड़ने का काम करते हैं और भी कम्युनिटी के लोग हैं जो ये काम करते हैं तो उन्हें तुरंत सूचना दी गई और उसमें उन्होंने एक सांप पकड़ लिया। इसके बाद दूसरे दिन मुझे शक हुआ कि ये सांप कैसे आया अंदर, क्योंकि हमने डबल डोर लगा रखी है, बाहर से डबल है कि सांप अंदर कैसे गया होगा। तो जब हमने कल सारा रिकॉर्ड चेक करने लगे तो एक सांप और दिखाई दिया, तो इमीडिएट हमने यहाँ पे नाजर और उसके सेविंग को बुलाया। जब उन्होंने पकड़ा तो रिकॉर्ड को और करते करने लगे तो एक से एक करते करते 21 सांप कमरे के अंदर से पकड़े हैं जो स्पेरे हैं। बड़ी मेहनत की है उन्होंने 3-4 घंटे तक और पूरा स्टाफ थाने का भी लगा रहा, पर किसी जानी माली का नुकसान नहीं हो सका है। पर हर रोज यहाँ सफाई करते सफाई कर्मचारी है, सारा स्टाफ यहाँ बैठा रहता है, सब इंस्पेक्टर के अधिकारी इंस्पेक्टर मैं खुद यहाँ बैठता हूँ, सांप दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं तो इसको भगवान का किस्मा ही समझ सकता हूँ कि एकदम एक दिन में इतने सांप कहाँ से आए। और टोटल 21 सांप निकले, छोटे छोटे सांप और छोटे छोटे सांप थे ये, और किसी कर्मचारी को किसी अधिकारी को या जो कंप्लेंटर आते हैं किसी दिन में भी दिखाई दिए। 24 घंटे पुलिस स्टेशन खुला रहता है, रात को खुला रहता है, रात को लाइट जली रहती है, कोई ऐसी दिखाई नहीं दिया। पर यह समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से आए कैसे आए। मैं तो इनको भगवान का किस्मा ही कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी बिल्डिंग जो अभी तक पंचायत भवन में है और नई बिल्डिंग के लिए जमीन चयनित कर ली है, पंचायत से NOC मिल चुकी है, PWD और फॉरेस्ट विभाग से NOC आने बाद शेष है, उन्होंने भी स्पॉट विजिट कर लिया है और जल्दी NOC आने वाली है और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके पुलिस अधीक्षक महोदय को जमीन ट्रांसफर करवाने के लिए यहाँ से कागज भेज दिए जाएंगे जल्दी। यहाँ पे टोटल 26 लोग हैं जिनमें एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, 2 SI और ऐसे 4 हेड कांस्टेबल कांस्टेबल हैं। कितने कमरों में चल रहा है अभी तक? हमारे सिर्फ एक मेन कमरा है और एक आप देख रहे हैं ये मेरे लिए छोटा सा कमरा है, दो ही कमरे हैं और एक मेस है। मेरा नाम है गुलशन कुमार, सिटी ऑफ राजू का बेटा हूँ मैं। मेरे फादर जी का नाम राजू है, वो बहुत बड़े स्पेरे हैं, कृपया उनके हथियार भी बहुत आते अखबारों में, ऐसे वैसे जो भी सांप पकड़ते हैं वो ही पकड़ते हैं, और उनका नंबर है 98163 3340। कहीं पे भी सांप निकले संपर्क कर। ये गग्गल पुलिस थाने में जब सांप निकले तो SHO साहब ने हमें बुलवाया और हमने यहाँ पे आके सांप काबू किए। हाँ जी, 21 या 22 सांप थे टोटल, 21 या 22 सांप थे जो हमने पकड़े, और फिर 5-6 हमने छोड़ दिए, कभी भी ये बोतल में डाला हुआ है, बाकी 4-5-7 जो है वो मामा के पास है इस टाइम। कौन से सांप?
इसको भी छोड़ देंगे हम, बट इन्होंने बोला था पकड़ के रखना भी। हाँ जी सैंपल रखो भाई, कोई आएगा तो हम बताना आप। नहीं नहीं ये हमने बोतल को छेद कर रखे हैं चारों तरफ से, इसको सांस आती रहेगी और बाकी जो भी है आपके सामने ही है। हाँ जी सर जहर होता है। हाँ जी जहर होता है इसमें जी। सांप हाथों से पकड़े सर, हाथों से पकड़े, निकले अंदर से, निकले चौकी में अंदर से ठाणे में। ये 21 सांप निकले हैं। प्रजाति कौन सी है? प्रजाति कोबरा, कोबरा प्रजाति के जी। तो कैसे काबू किया आप लोगों ने? हमारा काम ही ये है, जितना बड़ा सांप हो हम काबू कर लेते हैं, मेरा तो काम ही यही है सर। हाँ जी। तो ये सांप कितने खतरनाक हो सकते हैं? ये सबसे खतरनाक क्रेट से नीचे होते हैं, जो क्रेट होता है उससे नीचे है ये कोबरा सांप। नुकसान क्या होता है इसका? इसका नुकसान आदमी खत्म, काट जाए तो खत्म फेल। कितने सांप पकड़े? ये 21 सांप पकड़ ले। कहाँ है अभी सांप? सांप को 7-8 तो छोड़ दिए और 7-8 तो रखे हैं।